हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 को लेकर के बना रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम रैंडमली बहुत सारे नंबर हमें इंसर्ट कराने हैं, और रैंडमली नहीं बल्कि सीरियल वाइज नंबर हमें इंसर्ट कराने हो। तो हम जनरली करते क्या है, यहाँ 1 लिखते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ 2 लिखते हैं, अगर हमें ठीक है। और यहाँ पर अगर कॉलम में इंसर्ट कराना हो तो ऐसे ही हम करते हैं, और यहाँ पर खींचते हैं इसको और इस तरीके से हम इंसर्ट करा पाते हैं। तो ये तो जनरल वे हो गया, कोई दूसरा तरीका शॉर्टकट की मदद से। अच्छा, इसी को अगर आपको कॉल रो में करना हो तो आप क्या करते हो, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों को लिखा, इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेते हैं, तो इस तरीके से रो में भी ये इंसर्ट हो जाती है। लेकिन अभी हमें शॉर्टकट की मदद से ये करना है, तो जहां भी आपको सीरियल नंबर इंसर्ट कराना हो वहां पे कर्सर को रख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमें 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ लिख लिया मैंने 1, ठीक है। अब ये 1 सेलेक्टेड है, आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट, ठीक है, फिर प्रेस करना है एच, फिर प्रेस करना है F5 और फिर प्रेस करना है S। जैसे प्रेस करेंगे तो ये सीरीज वाली विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोज है और यहाँ पे कॉलम है, तो कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर क्या करना है हमें, स्टॉप वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक हमें सीरियल नंबर चाहिए। जैसे मान लीजिए 7000 तक चाहिए, हम यहाँ 7000 डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से लेकर 7000 तक सीरियल नंबर बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही तेजी से इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम में करना हो, ये तो कॉलम में हो गया, रो में करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है, वहीं यहीं से स्टार्ट करना है तो 1 लिख दिया और फिर वही शॉर्टकट की अल्ट एच एफ आई एस ये प्रेस करेंगे, वापस से यही विंडो ओपन होगी। इस बार रोज को सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे एंड कहाँ करना है, मान लीजिए हम 150 पे एंड करना चाहते हैं, तो 150 कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 150 तक ये नंबर इंसर्ट हो चुके हैं। देखिए, अगर आपको अलग कुछ करना हो, लाइक यहाँ पे देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये पहले इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर हम वापस से प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से हमें करना हो, 15 से करना हो, 20 से करना हो, जहां से भी करना हो, जैसे मान लीजिए 50 से हमें स्टार्ट करना, तो यहाँ 50 लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पर प्रेस कीजिए अल्ट एच और फिर प्रेस करना है F5 और फिर प्रेस करना है S। तो जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डेट फिल कराना चाहते हो तो डेट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अब ये 1 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे हम 50 कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पे कर देता हूँ 2000 यानी 2000 और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 50 के अंतराल पर ये हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।